किसान और सरकार के बीच अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसान संगठनों ने एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त हमें टीकरी बॉर्डर पर सुबह का वक्त है, 9 बज रहे हैं और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मजदूरों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। जो रास्ते बनाए गए थे मजदूरों के पैदल आवाजाही के लिए, वो भी संकुचित कर दिए गए, जिसके वजह से भारी संख्या में यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ गई है और यहाँ पर मल्टी लेवल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पहले के मुकाबले जो 2-3 दिनों में हमने देखा कि सिक्योरिटी में कुछ ढील दी गई थी, उसे एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात है, RAF के जवानों को यहाँ पर देखेंगे, सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। बाकायदा यहाँ पर इस तरीके से मचान बनाया गया है, जहाँ पर ये सुरक्षाकर्मी केंद्रीय रिजर्व फोर्स के सुरक्षाकर्मी है यहाँ पर तैनात है, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है अलग अलग बॉर्डर से। इस बीच किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। तो लगातार देखिए किसान नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को माने, नहीं तो उग्र प्रदर्शन यहां पर हो सकता है। इस प्रकार की बातें भी की जा रही हैं किसान नेताओं की तरफ से। हमारे साथ लगातार सहयोगी जुड़े हुए हैं, टिकरी बॉर्डर का मैं रुख कर लेती हूं। राजू राज, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे, यहां पर स्थिति यह हो गई है कि सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है, मजदूर अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग नहीं जा पा रहे हैं, दुविधा में है इस वक्त लोग, अभी क्या स्थिति? देखिए निश्चित तौर पर लोग दुविधा में, उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही हो रही है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, जिन रास्तों पे यहाँ पर जाने का आवाजाही का रास्ता था पैदल ही जा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर को पहले से ही सील किया गया था और वहाँ भी आज रास्ते को काफ़ी छोटा कर दिया गया, यानी जो मजदूरों की संख्या लगातार इस बॉर्डर इलाकों में काफ़ी संख्या में बढ़ती जा रही है और इन्हें पैदल ही 8 से 10 किलोमीटर का तय करना पड़ रहा है। जैसे ही किसानों ने कल ऐलान किया कि वो फिर से दिल्ली कूच करेंगे, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, मल्टी लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है और चूंकि धारा 144 पहले से लगाई गई थी, लेकिन चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का जो बोर्ड लगा दिया है ताकि एक साथ लोग इकट्ठा नहीं हुए। दूसरी परेशानी जो आसपास के इलाका है, बॉर्डर इलाके, वहाँ पर जितने भी दुकानें हैं लगातार पिछले एक हफ्ते से यहाँ पर बंद पड़ी हुई हैं, लोगों की आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है। लोग उम्मीद जता रहे थे कि सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता है, वार्ता के जरिए हल निकलेगा, लेकिन स्थिति और भी भयावह और विकट होती जा रही है, तो ये परेशानी लगातार लोगों की बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अमित बता रहे थे कि जो जानकारी मिली है कि कई हजार लोग दिल्ली के अलग अलग धर्मस्थलों में छुपे हो सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं, अगर एक्शन शंभू बॉर्डर पे होता तो उसकी वानगी कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिलेगी और अपना प्रेजेंस दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। इसलिए दिल्ली पुलिस ने कल के मुकाबले सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। अब देखना होगा कि कल के मुकाबले आज सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी है और आज सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों का ऐलान दिल्ली कूच के लिए कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगा और तस्वीरें हम तक पहुंचने लग जाएंगी। हमारे साथ शिवांग जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। शिवांग, सिंघू बॉर्डर का जो इलाका है वो भी बेहद संवेदनशील बना हुआ है, आपके पीछे में RAF के जवानों की तैनाती मुस्तैदी देख सकती हूं, क्या तस्वीरें दिखाएं इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अभी स्थिति बनी हुई है कि आज किसानों ने जिस तरह से दिल्ली मार्च का ऐलान करा, तो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर आप देख लीजिए कि किस तरह से मुस्तैदी से, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हो, चाहे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सभी लोग मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर सिंघू बॉर्डर के ऊपर की गई है। तस्वीरों में अगर आप देखिए कि किस तरह से पहली पंक्ति में यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं, महिलाएँ हैं, जो महिला सुरक्षाकर्मी हैं, उनकी एक पूरी टुकड़ी बनाई गई है जिसे सबसे आगे रखा गया है फ्रंट से लीड करने के लिए, और उसके पीछे की अगर हम लोग आपको दिखाएं तस्वीर, तो आप देखिए कि उसके पीछे किस तरह से बैरिकेटिंग करी गई है, किस तरह से कटीले तारों के साथ बैरिकेटिंग करी गई है, फिर उसके बाद कंक्रीट स्लैब्स आएंगी, फिर उसके बाद फिर से बैरिकेड्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब कंप्लीट एक लेयर है, एक दर्जन पहले कंक्रीट स्लैब्स की, फिर उसके बाद एक दर्जन
बैरिकेड्स की। अगर किसान इसको भी पार करते हैं, जिस तरह की उन्होंने पूरा मॉडिफिकेशन करा है ट्रैक्टरों से, ये सारी चीजें अगर वो करते हैं, तो सामने की आप देखिए तस्वीर कि किस तरह से जो वज्र वाहन है, वज्र वाहनों की तैनाती करी गई है, उसके आगे कंटेनरों की यहां पर तैनाती करी गई और कंटेनरों के ऊपर बोरे रखे गए। तो देखिए दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से तैयार है। सामने की आप देखिए तस्वीर कि किस तरह से पहले यहां पर वज्र वाहन है, वज्र वाहन के ठीक पीछे कंटेनर्स लगाए गए, कंटेनर्स के ठीक ऊपर बोरे रखे गए, फिर उसके पीछे भी तकरीबन 3 से 4 लेयर कंटेनर्स लगाए गए और कंटेनर्स के अंदर मिट्टी भरी गई है जिससे उन्हें ट्रैक्टरों से ना खींच पाए। तो देखिए पूरी तरह से दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री, रैपिड एक्शन फोर्स पूरी तरह से स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको याद होगा कि 26 जनवरी 2021 को किस तरह से ट्रैक्टर मार्च किया गया था, किस तरह से उपद्रव किया गया था। तो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है, ना ही प्रशासन ने चाहता है कि फिर से वही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई दे। तो उसके लिए ये सारी तैयारियां की गई हैं। अभी कुछ देर पहले हम लोग के अधिकारियों से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि पिछली बार 26 जनवरी को जब पूरा उपद्रव हुआ था तो उस समय भी ट्रैक्टर मार्च सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में ही निकाली गई थी, और इस बार भी सरवन सिंह और क्या स्थितियां थी, पूरे देश ने उन स्थितियों को देखा था, वैसी स्थिति फिर से ना बने इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि किसी प्रकार की कोई अशांति देखने को ना मिले। यहां शंभू बॉर्डर से ही उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलने चाहिए, ऐसी पूरी कोशिशें की जा रही है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शंभू बॉर्डर से। अमित, यही प्राथमिकता है कि शंभू बॉर्डर को ही ये जो प्रदर्शनकारी है वो क्रॉस ना कर सके, उसके लिए क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से किए गए हैं? और दूसरी तरफ किसानों की भी तैयारी है, पतंगे, गैस मास्क, पोकलेन मशीन, बुलडोजर, ये सब हम देख पा रहे हैं उनके पास। देखिए ये सारी स्थिति जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के सब मालूम है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। घग्गर नदी का जो ब्रिज है वो उनके लिए एक बड़ी जो है परेशानी का सबब होगा, इसीलिए वो पोकलेन मशीन और अत्याधुनिक और जेसीबी को तैयार करके लाए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है पूरे तरीके से फोर्सेज भी यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखिए सीआरपीएफ के कमांडेंट्स जो है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के अदर विंग के कमांडेंट्स भी यहाँ पर है। उनकी स्ट्रैटेजी के आगे इनकी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, ये सिर्फ अगर इनमें जो लोग मिले हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई थी वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूरे देश और दुनिया ने देखी जी मीडिया के माध्यम से, उसमें भी ये दिख रहा था कि कुछ जो शरारती तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट्स। जी न्यूज़।